गुड मॉर्निंग बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा प्रेसिडेंट की पावर्स, फंक्शंस, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी, कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो उस पोस्ट को कौन संभालता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस पोस्ट को संभालते हैं। अब देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कौन होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years बाई ऑल द मेम्बर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाई ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन सिस्टम। जैसे हमने प्रेजिडेंट का देखा था ना, उनको भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, प्रपोर्शंस के द्वारा ही जो है वो चुना जाता है। वैसे ही सेम वाइस प्रेजिडेंट को, इनको भी 5 साल के लिए चुना जाता है। वही सेम बोथ द हाउसेज मेंबर, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो मिलकर इनका चुनाव करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनको राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है। शी ही परफॉर्म द सेम फंक्शन इन राज्यसभा द स्पीकर इन लोकसभा डज। कैसे, जैसे लोकसभा में स्पीकर जो फंक्शन को अदा करता है, वैसे ही सेम फंक्शन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है राज्यसभा में। सीज द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, कहते वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। शी डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन द हाउस। अगर हाउस की कोई वोटिंग होती है, जैसे कोई बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है, तब जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। हाईवर इन द केस ऑफ टाई ही शी कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। अगर टाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है, उस समय वो अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं। वेन एवर द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेजिडेंट टेक्स ओवर द ऑफिशिएटिंग प्रेजिडेंट टिल ए फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड। अगर कहते प्रेजिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाए, या उनकी डेथ की वजह से, या फिर वो रिज़ाइन कर दे, या इम्पीचमेंट की वजह से, तब उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालते हैं। जब तक कि नई इलेक्शन नहीं हो जाते, द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 months। ये हमने पहले भी देखा है कि नए प्रेसिडेंट को जो है वो 6 month के अंदर अंदर इलेक्ट करना ज़रूरी होता है। एज ऑफिशिएटिंग प्रेजिडेंट द वाइस प्रेजिडेंट इज इंटाइटल टू ऑल द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स ड्यू टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कहते जब वो ऑफिशिएटिंग कर रहे होते हैं, वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट की पोस्ट को संभाल रहे होते हैं, तो उनको भी वही सभी पावर्स और प्रिविलेजेस और एमोलमेंट्स दिए जाते हैं जो कि एक राष्ट्रपति को मिलते हैं। ये जो था हमारा द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी हम इतना ही, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में।